देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत ने ट्रंप को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए न्योता भेजा है। अगर अमेरिका इसे स्वीकार करता है तो भारत में ट्रंप का ये पहला दौरा हो सकता है। इस लिहाज से मोदी सरकार को ट्रंप के यहाँ आने से विदेश नीति में बड़ी सफलता मिल सकती है। भारत ने ट्रंप को इस साल के अप्रैल महीने में ही न्योता भेजा था, लेकिन अमेरिका सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही ट्रंप सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। भारत की ओर से ट्रंप प्रशासन को न्योता भेजने के बाद से कई राजनयिक स्तरीय संवाद दोनों देशों के बीच हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगर भारत आते हैं तो ये दौरा 2015 में भारत आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से ज्यादा सुर्खियां बटोर सकता है। आपको बता दें कि 2015 में बराक ओबामा रिपब्लिक डे पर गेस्ट थे, लेकिन हाल ही में बढ़े ईरान के साथ भारत की करीबी और रूस के साथ भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदने के प्रस्ताव के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार की वजह बन रहा है, जिसके चलते अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या भारत की अहमियत आज भी उतनी है जितनी ओबामा शासन में थी या नहीं। मोदी सरकार के आने के बाद से हर बात ये सरकार गणतंत्र दिवस पर दुनिया के दिग्गज नेताओं को इस समारोह में शामिल करती रही है, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखने के लिए इस बार मोदी सरकार ने ट्रंप को निमंत्रण भेजा है। साल 2015 में जहां बराक ओबामा भारत आए थे, तो वहीं 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड, 2017 के गणतंत्र दिवस पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और 2018 में आसियान सम्मेलन के 10 नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में मोदी सरकार ने बुलाया था। वहीं पूरी दुनिया में अपनी अलग छवि बनाने में भी भारत पिछले कुछ सालों में कामयाब रहा है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।